किससे डरते हैं शनिदेव? पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि शनि महाराज भगवान सूर्य और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। बताया जाता है कि एक बार गुस्से में सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र शनि को श्राप देकर उनके घर को जला दिया था। इसके बाद सूर्य को मनाने के लिए शनि ने काले तिल और अपने पिता सूर्य की पूजा की तो वह प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद से तिल से शनिदेव और उनके पिता की पूजा होने लगी। सूर्य पुत्र शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि उनका गुस्सैल स्वभाव और ग्रह दशा किसी को भी बर्बाद कर सकती है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। शनिदेव न्याय के देवता हैं। यही वजह है कि भगवान शिव ने शनिदेव को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का काम सौंपा है। मगर क्या आप जानते हैं कि वह शनिदेव जिनके प्रकोप से सारी दुनिया डरती है, वह खुद इन 5 से डरते हैं। माना जाता है कि शनिदेव पवन पुत्र हनुमान जी से भी बहुत डरते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनिदेव के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जो लोग हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं उन पर शनि का ग्रह दशा खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छे अच्छों को अपनी लीला से सबक सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण को शनिदेव का इष्ट माना जाता है। मान्यता है कि अपने इष्ट का एक दर्शन पाने को शनिदेव ने कोकिला वन में तपस्या की थी। शनिदेव के कठोर तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने कोयल के रूप में दर्शन दिए। तब शनिदेव ने कहा था कि वह अब से कृष्ण जी के भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को पीपल से भी डर लगता है। इसलिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो पिपलाद मुनि का नाम जपेगा वह पीपल की पूजा करेगा उस पर शनि दशा का अधिक प्रभाव नहीं होगा। शनि महाराज अपनी पत्नी से भय खाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा में शनि पत्नी का नाम मंत्र जपना भी शनि का एक उपाय माना गया है। इसकी कथा यह है कि समय शनि पत्नी ऋतु स्नान करके शनि महाराज के पास आई, लेकिन अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन शनि महाराज ने पत्नी की ओर नहीं देखा। क्रोधित होकर पत्नी ने श्राप दे दिया था। पिता सूर्यदेव के कहने पर शनिदेव को बचपन में एक बार सबक सिखाने के लिए शिवजी ने उन पर प्रहार किया था। शनिदेव इससे बेहोश हो गए तो पिता ने विनती करने पर शिवजी ने वापस उन्हें सही किया। तब से मान्यता है कि शनिदेव शिवजी को अपना गुरु मानकर उनसे डरने लगे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।